कहानी है उस लड़की के बारे में जिसे हमेशा से लड़का बनना था, सर उठा के चलना था, लड़कों से आगे बढ़ना था, मगर उसकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों ने, उसके कुछ किस्सों ने, उसके कुछ अपनों ने, उसके कुछ टूटे सपनों ने उसे इस कदर बदल दिया कि वो चुप हो गई। उन किस्सों की शुरुआत होती है जब वो सिक्स्थ में होती है। एक रोज़ जब वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रही होती है तो सामने से एक चेहरा आता है जो उसे धक्का मार के चला जाता है। जब तक वो भीड़ में उस चेहरे को ढूंढती तब तक वो चेहरा गुम हो गया था। दोबारा वो चेहरा जब उसके सामने आता है तो वो पहचान लेती है। वो चेहरा उसे दोबारा धक्का मार के जाता है और जब वो पीछे मुड़ के उस चेहरे को देखती है तो वो एक अंकल होते हैं जो खुश हो रहे होते हैं उसे देख के और धक्का मार के। जब तक उस चीज़ को एनालाइज करती है तब तक वो चेहरा दोबारा भीड़ में गुम हो गया था। उन किस्सों की शुरुआत दोबारा होती है जब वो 8th में होती है, जब वो अपनी दीदी के साथ एक रोज़ एक रोड पे जा रही थी। एक रोड पे जाते जाते साइड से एक अंकल साइकिल पे उसके कान में कुछ फुसफुसा के गए, जिसे सुनने के बाद उसकी दीदी गुस्सा करने लगी उन अंकल पे। उसे तो समझ नहीं आया उस वर्ड का मतलब, बट उसकी जब दीदी गुस्सा कर रही थी वो कह रही थी पागल इंसान पता नहीं क्या सोचता है अपने आप को, उसको समझ में आ गया कि कुछ तो अजीब था। उस वर्ड को उसने याद रखा और जब उसे उस वर्ड का मतलब किसी और से पूछने के बाद पता चला तो उसे ये पता चला कि उसकी बॉडी के किसी पार्ट के बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया था उस अंकल ने, जो कि उसके पापा की उम्र से भी बड़े थे। ये सोच के वो थोड़ी सी घबरा गई, उसके बाद वो थोड़ी चौकन्ना होने लगी। जब वो 9th में होती है एक रोज़ एक रोड पे एक आइसक्रीम खाते वक्त एक अंकल उसे घूर रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अंकल उसे क्यों देख रहे हैं। उसकी दीदी उन अंकल को देखती है और उसे डांटने लगती है कि तुम ऐसे मत खाया करो। उस बात को सुन के उसे बुरा लगता है पर समझ नहीं आता कि ऐसा उसने क्या किया जिस कारण उसकी दीदी ने उसे डांटा। मगर उसके लिए अब बाहर खाना भी गलत हो गया था। उन सिलसिलों की शुरुआत और होती है। एक रोज़ जब उस भीड़ का हिस्सा बनी होती है वो एक जागरण में जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। उस भीड़ में पीछे से एक हाथ आता है जिसके उसके पीछे छू के चला जाता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे चेहरा दिखता है और जब वो अपने पास वाली लड़की को बोलती है कि यार ऐसा हुआ है तो लड़की उसे कहती है कि हाँ ठीक है तुम बाहर चलो बताते हैं उसे। जब वो बाहर जाती है वो लड़की अपनी बात से मुकर जाती है। वो कहती है कि ऐसे तो बहुत मिलेंगे, अब तो वो चला गया, अब क्या कहना। जब वो बात वो दूसरी लड़की से बोलती है तो दूसरी लड़की उसके शरीर को दोष देने लगती है और कहती है कि तुम्हें तरीके से खड़ा होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा पतला होना चाहिए था, देखो मैं कितनी पतली हूँ, मुझे तो कोई कुछ करके नहीं जाता, तुम्हें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए था। इस बार गलती उसके कपड़ों की नहीं उसके फिगर की निकाली गई। एक रोज़ जब उसकी फ्रेंड के साथ वो रोड पे जा रही होती है तो साइड से एक बाइक रुकती है और एक लड़का उसकी फ्रेंड से पूछता है कि आपका नंबर क्या है। जब वो लड़की उस लड़की के लिए स्टैंड करने की कोशिश करती है उस लड़के को बोलती है चप्पल का साइज देखा है, वो लड़का बोलता है मार दो हमें कोई गम नहीं होगा। उस बात को सुन के वो बहुत गुस्सा होती है, अपने घर पे जाती है, अपनी मम्मी को बताती है और उसकी मम्मी भी कहती है हाँ ठीक है अभी चलते हैं। जब वो उस जगह पे वापस जाते हैं जहाँ पे वो सब हुआ वो लड़का उनकी नज़रों के सामने से चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। जब तक वो अपनी मम्मी को बताती तब तक वो चेहरा दोबारा उसकी आंखों से उस भीड़ में गुम हो चुका था। जब वो घर जाती है उसके परिवार में से किसी की आवाज़ आती है कि ज़रूर तुमने ही कपड़े ठीक नहीं पहने थे, ज़रूर तुम्हारी ही टाइट जीन्स थी तभी तुम्हें ऐसा करा गया, तभी उसने तुम्हें ऐसा बोला। बिना ये सुने कि वो कमेंट उसके लिए नहीं किसी और के लिए आया था। इस बार दोष उसके कपड़ों का निकाला गया। जब वो 11th में थी जब शॉर्ट स्कर्ट अब फुल पैंट हो चुकी थी, जब हाफ स्लीव्स की शर्ट अब फुल शर्ट हो चुकी थी तो कभी कभी उसे उसकी स्कूल की ड्रेस में अपने स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन आना पड़ता। रास्ते में बहुत लोग देखा करते, कुछ का टॉक किया करते, कभी उनका वो रिस्पॉन्स करती तो लोग और फॉलो करते और वो चुप रहती तो लोग कोशिश करते उसके मुंह से कुछ ना कुछ बुलवाने की।
अगर वो किसी को अनजाने में सुना देती तो लोग कहते कि मैडम हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, और वो अपनी बात से मुकर जाते। एक रोज़ जब वो अपने बैचमेट के साथ जो कि लड़का था उसके साथ जा रही थी, उसके सामने ही एक लड़का आया जो उसे देख के गाना गाने लगा। जब उस लड़के को उसे सुनाया, उसे बोला तुमने क्या बोला, क्यों बोला, दोबारा बोलना, और उस पर गुस्सा करने लगी। उसका फ्रेंड उसे ही डांटने लगा, कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुम उनके मुंह मत लगो। बिना ये सोचे कि कैसा लगता है जब हर रोज़ आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। ये सिलसिले तब भी ख़त्म नहीं हुए, मगर उसने उस चीज़ का हिस्सा बना लिया था खुद को। वो खुद को दोष देने लगी थी। इस बार वो किस्सा उसके साथ नहीं हुआ, मगर उसका कोई और कारण था। इस बार उस हादसे का कारण कोई और था, और उसका कारण समय को दिया गया। एक रोज़ जब उसकी फ्रेंड घर से ट्यूशन आ रही थी तो रास्ते में अंधेरा था, उस अंधेरे में एक हाथ जो पीछे से आता है और उसकी कमर को छू के चला जाता है। जब वो पीछे देखती है तो बाइक पे तो लड़के होते हैं जो उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। उस हादसे के बाद वो ट्यूशन में जाती है, कोने की सीट पकड़ती है, डरी हुई सी सहमी हुई सी कांपने लगती है उस हादसे को सोच के। जब वो बात उस लड़की को बताती है तो उसे एहसास होता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था। वो दोष देने लगी वक्त को कि वक्त ख़राब था, लड़कियां रात को सेफ थोड़ी ना होती। और अगले दिन से उस लड़की ने अपने फ्रेंड्स के साथ आना स्टार्ट कर दिया। अब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई थी उस लड़की की, पर नज़रिया और नज़ारे अब भी नहीं बदले थे। उसने तो खुद को अपना लिया था कि भाई मेरे कपड़ों में गलती हो सकती है, शायद वक्त की गलती हो सकती है, शायद मैं किसी को जवाब दूं तब मेरी गलती हो सकती। उस सारी गलतियों को अपनाने के बाद उसने खुद को खो दिया, मगर अब हादसे उसके साथ नहीं तो उसके आसपास वालों के साथ होते। जब उसकी फ्रेंड्स कभी क्रॉप टॉप पहन के आती, सामने से कुछ नज़रें आती जो उस फ्रेंड की कमर पर अटकी हुई थी, मानो उन कमरों को हाथ से छूना चाहती थी, और वो इंसान उसके सामने से जाता, वो लड़की तो उसे इग्नोर कर देती, मगर वो लड़की उसे इग्नोर ना कर पाती। वो किस्सा और वो हादसा उसके सामने उसकी आंखों में कहीं सहम सा जाता। अब ताना उसे इसलिए दिया जाता है कि उसके कपड़े गलत हैं। अब ताना इसलिए दिया जाता है कि उसकी ब्रा स्ट्रिप दिख जाती है कभी कभी। इसके लिए उसके मेल फ्रेंड उसे ही दोषी ठहराते हैं ये बोल के कि इसे ठीक करो, बिना ये सोचे कि अगर वो ठीक ना भी हो तब भी क्या प्रॉब्लम है, अगर आप जैसे हो वैसे हो तो क्या प्रॉब्लम है, अगर गलती हमारी है तो हम कितना बदलें। क्या ज़रूरी है हर बार खुद को बदलना सिर्फ इसीलिए कि दूसरे का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हर रोज़ कोई ना कोई मोलेस्टेशन का शिकार होता है, हर रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ सहता है। कुछ को ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि तुम इग्नोर करना सीखो, कुछ को ये बोल के कि तुम रिस्पॉन्स किया करो, बट लड़के आ जाओ और तब तो हम देख लेंगे। मगर जब होता है और जिसके साथ होता है उसे पता होता है कि आप कांपने लगते हो, एक डर बैठ जाता है खुद के अंदर कि अगर मैं बाहर गई तो क्या वो पीछा दोबारा करेगा। एक भीड़ में अचानक से एक हाथ आए जो आपके बदन को छू के चला जाए और आपको पता भी ना हो वो हाथ किसका था। जब वो बात आप अपने बड़े को बताओ या किसी फीमेल को बताओ तो और वो ये बोलने लगे कि कपड़े ढंग से पहन के आया करो, शायद तुमने ही ऐसे कपड़े पहने इसलिए वो तुम्हें छूके गए, तब सोचो कैसा लगता होगा। हम बताने की उम्मीद भी उनको करते हैं जिनको हर रोज़ उसी चीज़ में तोला जाता है। गलती किसी के भी हो पर हर रोज़ किसी लड़के को किसी और के कारण सुनना ज़रूर पड़ता है। हर रोज़ हमें जज किया जाएगा, हर रोज़ हमें झुकना पड़ेगा, हर रोज़ हमें उठना पड़ेगा। बस इस बात को मत भूलना कि आप कैसे थे और आपको कैसा बनना है। अगर अच्छा लगा तो ठीक, अगर नहीं लगा तो ये ज़रूर बताना कि क्या कमी रह गई।
ज़रूर मिलेंगे अगली बार किसी नए किस्से के साथ, किसी और की ज़िंदगी के किसी और हिस्से के साथ।